नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेला में किया गया राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के कैंप कार्यालय का उद्घाटन। बलिया में जिले के ऐतिहासिक ददरी मेला में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के कैंप कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला संरक्षक एवं भृगु मंदिर के पुजारी श्री व्यास जी मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उपरांत बलिया में 7 जनवरी 2024 को होने वाले चतुर्थ चौथा स्थापना दिवस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रभारी राजेश महाजन जी, जिला अध्यक्ष अमरनाथ चौरसिया, कोषाध्यक्ष पवन जी, जिला महामंत्री ओम प्रकाश जी, प्रदीप शर्मा जी एवं साथ ही टीम पहुंचकर कार्यक्रम की जानकारी ली। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के ददरी मेले में कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला संरक्षक श्रीमान ब्याज जी मिश्रा के द्वारा उद्घाटन संपन्न हुआ। आइए उनसे जानते, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बारे में कुछ बताएं। अब अपने परिचय बताएं। मैं ब्याज जी मिश्रा, भृगु मंदिर कोषाध्यक्ष। मैं ब्याज जी मिश्रा, राष्ट्रीय पत्रकारिता संघ भारत संघ के संरक्षक। आज इस राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के कैंप कार्यालय का उद्घाटन के आप मुख्य अतिथि हैं, आपको कैसी अनुभूति महसूस हो रही है? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं भारत संघ में विशेष दिलो जान से संलग्न हूँ। आपको राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का संरक्षक बनते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत ज्यादा जो है हर्षोल्लास के साथ जो है खुशी हो रही है, क्योंकि ये पत्रकार बंधु का संगठन है जिसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका में, संरक्षक की भूमिका में रखा गया है। आपको गर्व होना, इस बात पर गर्व होना चाहिए। आइए देखते हैं बलिया से खबर। बलिया से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का ये कैंप कार्यालय ददरी मेला में, बलिया का ऐतिहासिक ददरी मेला जो भृगु मुनि के शिष्य दरदर मुनि के नाम पर ये मेला लगता है, यहाँ का ऐतिहासिक मेला है। आप देख रहे हैं बलिया से खबर है। बलिया से यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।